सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाने जा रहा हूं। अगर आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आपको किसी भी इंडिकेटर की नॉलेज नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। आप बहुत ही आसानी से 2 मिनट में टेक्निकल एनालिसिस करना सीख जाएंगे। इस तरीके को यूज़ करने के लिए आपको लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन से ही टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्टॉक को बाय करने जा रहे होंगे तो सिर्फ 2 मिनट लगाकर इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करके आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि आप एक अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक को सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले TickerTape.in की वेबसाइट में जाना होगा और यहाँ पे स्क्रीनर का एक फीचर है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ फिल्टर्स खुल के आ जाएंगे। आप इन फिल्टर्स के बेसिस पे स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक के बारे में सारी डिटेल्स होती हैं कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये सारे फिल्टर्स हम लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कुछ ही फिल्टर्स लगे होते हैं, तो अगर आप थोड़े और फिल्टर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सर्च करके वो फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये सिर्फ फिल्टर्स ही नहीं है, ये फंडामेंटल्स हैं स्टॉक के। तो इस तरीके से आप अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उनका टेक्निकल एनालिसिस करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उस स्टॉक को अभी बाय करना चाहिए या फिर नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने तो बोला था कि मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, लेकिन इतनी सारी डिफिकल्ट बातें मैंने आपको बता दी। तो ये डिफिकल्ट आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कौन सा फिल्टर लगाना है, कौन सा फिल्टर नहीं लगाना है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आई बटन में भी दिया है। आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है। बहुत ही आसान तरीका है, तो आप इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप बहुत ही आसानी से एक अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने भी सेलेक्ट कर लिया है, विप्रो सबसे टॉप में आ रहा है, तो हम विप्रो का ही टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, TickerTape में सभी फिल्टर्स और सभी फीचर्स फ्री नहीं है। मैंने TickerTape का प्रो सब्सक्रिप्शन ले रखा है, इसलिए मैं सभी फिल्टर्स को फ्री में यूज कर पा रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो कुछ बेसिक फीचर्स के साथ TickerTape को फ्री में भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरी तरह सीरियस इन्वेस्टर हैं तो आप TickerTape का प्रो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 118 रुपीज पर मंथ है और एनुअल प्लान में 20% का डिस्काउंट भी है। तो TickerTape और फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप TickerTape को चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को देखकर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके एक बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसका टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले जिस डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का आप यूज करते हैं शेयर को बाय करने के लिए, वो ऐप खोल लेना है। मैं इस केस में एंजल ब्रोकिंग का जो न्यू ऐप है एंजल स्पार्क, उसका यूज कर रहा हूं। आप एंजल ब्रोकिंग का नॉर्मल ऐप भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपका जीरोधा में अकाउंट है तो वहां पर भी सेम फीचर सेम इसी जगह पर दिया गया है। तो आप दोनों में से किसी भी डीमैट अकाउंट का यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर क्या कर रहे हो यार, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और फिर इस ऐप को आप यूज कर पाएंगे। और अगर आप जीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, वहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, और एंजल ब्रोकिंग में तो अकाउंट फ्री में खुल रहा है, वहां जरूर खुलवा लीजिएगा। अब दोस्तों, अकाउंट खुलवाने के बाद आप जिस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं आपने उस स्टॉक को सर्च करना है और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। इस केस में विप्रो यहां पे ऑलरेडी ऐड है, तो हम विप्रो का ही टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आपने इस स्टॉक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, चाहे जीरोधा में करेंगे चाहे एंजल ब्रोकिंग में करेंगे, तो ये विंडो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आपने देखा है विंडो खुलकर आ चुकी है। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, सीधा बाय या सेल पे क्लिक कर देते हैं। तो आपने इस पे क्लिक नहीं करना है, इसको एक बार और स्वाइप करना है। जैसे ही आप इस पे स्वाइप करते हैं ना, सारे राज आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्टॉक की परफॉर्मेंस, ऊपर प्राइस वगैरह दिखाई दे रही है, स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप इसको स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसने एक साल में 168% के रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ से आपको इसके पिछले एक साल के रिटर्न्स पता चल गए। अब आप इसे थोड़ा सा ऊपर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे प्राइस समरी का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स दी गई हैं। सबसे पहला लिखा है क्लोज टू 52 वीक हाई। अब ये लिखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो उसके बगल में एक सिग्नल दिया है ऊपर का, जो कि ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर के सिग्नल से हमें पता चलता है कि ये एक अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। उसके बाद नीचे देखें तो परफॉर्मेंस टुडे में डाउन का सिग्नल दिया गया है, यानी कि ये एक नेगेटिव सिग्नल है। और लिखा गया है अंडर परफॉर्म्ड सेक्टर, यानी कि ये सेक्टर आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये एक नेगेटिव सिग्नल है।
इसके बाद लिखा है ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि ये स्टॉक दो दिन तक अच्छा परफॉर्म करने के बाद अब नेगेटिव जा रहा है, तो ये एक नेगेटिव सिग्नल है और उसके सामने एरो भी बना है डाउन का, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये एक नेगेटिव सिग्नल है। अभी तो हमने इतना ही देखा है, तो यहाँ पे व्यू वॉल पे क्लिक कीजिए। जब आप व्यू वॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के हिसाब से ये स्टॉक अच्छा एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, यानी कि बाय करने का सिग्नल दे रहा है। दो सिग्नल ये नेगेटिव दे रहा है, एक बाय करने का दे रहा है, तीसरा फॉलिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि कम स्टॉक्स बाय कर रहे हैं बाकी के मुकाबले, ये भी एक नेगेटिव सिग्नल है। तो यहाँ पे तीन सिग्नल खराब हैं, एक तो आज ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरा दो दिन तक अच्छा चल रहा था, अब इसकी प्राइस गिरने लगी है, तो जब शेयर ऊपर जाने के बाद गिरता है तो फिर ये एक नेगेटिव सिग्नल होता है, क्योंकि उसके बाद और ज़्यादा गिर सकता है। तो दो चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है, आपने देखा, यहीं पे आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे हमें बहुत ही कम डिटेल्स मिली हैं, इतने से टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा और करने के लिए हमें यहाँ पे टेक्निकल का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। आप ये ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अभी डे सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप एक मिनट का टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपने 1 मिनट पर सेलेक्ट करना है। अगर 3 मिनट का करना चाहते हैं 3 पर सेलेक्ट करना है। 5 मिनट का करना चाहते हैं 5 पर सेलेक्ट करना है। और अगर आप थोड़ा और आगे का देखना चाहते हैं तो आपको डे पर सेलेक्ट कर लेना है। तो अब अगर डे के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक 18 बुलिश सिग्नल दे रहा है, यानी कि प्राइस बढ़ सकती है, 8 न्यूट्रल सिग्नल दे रहा है और 1 बियरिश सिग्नल दे रहा है, यानी कि प्राइस गिर सकती है। 1 मिनट के हिसाब से देखें तो 2 बियरिश सिग्नल है, 3 मिनट के हिसाब से 3 बियरिश सिग्नल है, 5 मिनट के हिसाब से 7 बियरिश सिग्नल है, यानी कि अभी इसकी प्राइस काफ़ी गिर रही है, 15 मिनट के हिसाब से 10 बियरिश सिग्नल है और 8 बुलिश सिग्नल है, 30 मिनट के हिसाब से 10 बियरिश सिग्नल है, 1 घंटे के हिसाब से 2 बियरिश सिग्नल हैं, जबकि 1 डे के हिसाब से सिर्फ 1 बियरिश सिग्नल है और 18 बुलिश सिग्नल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर 15-20 मिनट का चार्ट देखें तो बियरिश दिख रहा है, लेकिन वैसे बुलिश दिख रहा है। अब यहाँ पे थोड़ी और डिटेल्स दी गई हैं कि EMA 20 कैसा है, SMA 20 कैसा है, RSI कैसा है, ऑसम ऑसिलेटर कैसा है, MACD लाइन कैसी है, CCI कैसा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि ये चीज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर आपको इन इंडिकेटर्स की नॉलेज ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपको पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है या फिर नेगेटिव सिग्नल। तो ये पता करने के लिए टेक्निकल्स का एक ऑप्शन दिया गया है और वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। और बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में इन सभी इंडिकेटर्स का यूज़ करके, इन्हें चार्ट में अप्लाई करके यही तो पता लगाया जाता है कि ये शेयर बाय करने का सही समय है या फिर नहीं। और अगर मैं आपको चार्ट में ये सारे इंडिकेटर्स लगाना सिखाऊं तो आपको भले ही इंडिकेटर्स लगाना तो आ जाएगा, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है या फिर नेगेटिव, तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो आपको वो इंडिकेटर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ये सारे इंडिकेटर्स लगा के जो उनका रिजल्ट है वो यहाँ पे दिया गया है। और अगर कोई प्रोफेशनल इंसान ये सभी इंडिकेटर्स लगाकर चेक करेगा तो उसको यही रिजल्ट मिलना है। तो जो चीज़ आपको आसानी से मिल सकती है उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चार्ट देखना नहीं सीखना चाहिए, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको चार्ट देखना भी सिखाऊंगा। फिलहाल इस स्टॉक में इन इंडिकेटर्स का जो रिजल्ट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंडिकेटर यहाँ पे लगा है RSI। RSI बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडिकेटर है, इसकी फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में तो नहीं है ये पता करने के काम आता है। तो इसकी अभी वैल्यू चल रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए 66.76, जो कि न्यूट्रल है। तो इसके आगे साफ साफ N लिखा है, जिससे हमें पता चल गया कि ये एक न्यूट्रल सिग्नल है। इसके बाद सेकेंड इंडिकेटर है स्टोचेस्टिक ऑसिलेटर, इसकी वैल्यू 88.46 है, जो कि न्यूट्रल है। इसके बाद थर्ड इंडिकेटर लगा है CCI, यानी कि कमोडिटी चैनल इंडेक्स, ये भी न्यूट्रल है। इसके बाद फोर्थ इंडिकेटर लगा है ADI, यानी कि अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर, तो ये भी न्यूट्रल है। इसके बाद जो फिफ्थ इंडिकेटर लगा है वो है ऑसम ऑसिलेटर, ये एक बाइंग सिग्नल दे रहा है। उसके आगे साफ साफ B लिखा हुआ है। उसके बाद मोमेंटम न्यूट्रल है। उसके बाद MACD यानी कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये इंडिकेटर भी बाइंग सिग्नल दे रहा है। इसके बाद स्टोचेस्टिक RSI भी न्यूट्रल सिग्नल दे रहा है। उसके बाद विलियम्स परसेंट रेंज, ये एक बाइंग सिग्नल दे रहा है। और उसके बाद अल्टीमेट ऑसिलेटर भी एक न्यूट्रल सिग्नल दे रहा है। तो ये तो अभी हम जो देख रहे थे वो पूरे दिन के हिसाब से, लेकिन अगर आप अभी बाय करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको क्या समझना चाहिए। अगर आप मान लीजिए इंट्राडे करना चाह रहे हो तो आप 2 मिनट का देखना चाह रहे हैं या 3 मिनट का चार्ट के हिसाब से आप देखना चाह रहे हैं, तो आपको 2 बाइंग सिग्नल मिल रहे हैं, 0 और 8 न्यूट्रल सिग्नल मिल रहे हैं, ठीक है। और इसके हिसाब से 5 मिनट के हिसाब से देखें तो आपको सारे ही सिग्नल न्यूट्रल मिल रहे हैं। 15 मिनट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे सेलिंग सिग्नल मिल रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छा इंट्राडे के हिसाब से स्टॉक नहीं है, लेकिन अगर डे के हिसाब से देखें तो बाइंग सिग्नल हैं यहाँ पे थोड़े, ठीक है।
तो इस हिसाब से आप थोड़ा बहुत समझे। अब थोड़ा और नीचे आप मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। तो आपने बहुत सारी YouTube वीडियोस में और न्यूज़ चैनल में सुना होगा कि मूविंग एवरेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप इस बात से कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा मूविंग एवरेज लगाऊँ, सिंपल मूविंग एवरेज लगाऊँ या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाऊँ, उसके बाद भी नंबर 5 लगाऊँ, 10 लगाऊँ, 20 लगाऊँ, 30 लगाऊँ, क्या लगाऊँ। तो यहाँ पे सभी मूविंग एवरेज क्या रिजल्ट्स दे रहे हैं वो बताया जा रहा है। EMA 5 बाय सिग्नल दे रहा है, SMA 5 भी बाय सिग्नल दे रहा है, EMA 10 भी बाय सिग्नल दे रहा है, SMA 10 भी बाय सिग्नल दे रहा है, और यहाँ पे सभी लगे हुए हैं, सभी के सभी बाय सिग्नल दे रहे हैं। तो ये सभी इंडिकेटर्स जो हम बड़ी मेहनत से चार्ट में लगाते, उन्हें इतनी मेहनत ना करके हमें ऐसे ही पता चल गया कि ये बाय सिग्नल दे रहा है, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स क्या रिजल्ट दे रहे हैं वो हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये सभी सिग्नल्स देखकर हमें समझ आता है कि हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए और इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस में, वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो लोग इंट्राडे करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सपोर्ट पे खरीदते हैं और रेजिस्टेंस पे बेच देते हैं। तो यहाँ पे हमें सभी टाइप का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के मिल रहा है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप 10 मिनट 15 मिनट का देख सकते हैं, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप डे के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और विप्रो की प्राइस है 483 रुपीज़, और यहाँ पे इसका जो सपोर्ट है, अब क्योंकि कुछ सपोर्ट तो वो क्रॉस कर चुका है, इसका जो रेजिस्टेंस था 465 रुपीज़ का उसको भी वो पार कर चुका है, तो जो अब इसका रेजिस्टेंस था वो अब इसका सपोर्ट बन चुका है। यानी कि अब इसका जो सपोर्ट है वो है 465 पे और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 511 रुपीज़। तो अभी इसके सभी इंडिकेटर्स बाइंग सिग्नल दे रहे हैं और ये अपने सपोर्ट के पास है और रेजिस्टेंस से दूर है, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है जिसे देखकर हमें लगता है कि इस प्राइस में विप्रो को खरीद लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू बिना चार्ट देखे आसानी से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि स्टॉक को बाय करना चाहिए या फिर नहीं। और हमने सही एनालिसिस किया था या गलत वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आपको अभी ऊपर दिखाई दे रहा है, 10:50 हमने ये रिकॉर्डिंग की थी और तब विप्रो की प्राइस चल रही थी 483 रुपीज़ एंड 60 पैसा, 40 पैसा, 70 पैसा, ये इसकी प्राइस चल रही थी। और मार्केट क्लोज होने के बाद जब हम वीडियो की एडिटिंग कर रहे थे तब हमने देखा कि सुबह जब इसकी 483 रुपीज़ प्राइस थी तब ये अपने लोएस्ट पॉइंट पे था, उसके बाद इसकी प्राइस 493 रुपीज़ तक गई थी और मार्केट क्लोज होने पर भी इसकी प्राइस 489 रुपीज़ के आसपास थी। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस करने का ये तरीका भी बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, आप किसी भी तरीके का एनालिसिस कर लीजिए, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए, चाहे टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए या फिर दोनों भी कर लीजिए, तब भी हर बार गारंटी नहीं होती है कि हर बार ही प्रॉफिट होगा, कभी कभार आपको लॉस भी हो सकता है। इवन राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, उन्हें भी रिसेंटली 500 करोड़ का लॉस हुआ है। तो बड़े से बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर को लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ताकि आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।